एक दशहरा रैली, एक विजयदशमी उत्सव की सभा और मुद्दा सरकारी नौकरी का। कल उद्धव ठाकरे ने दशहरा रैली में गरीबी और बेरोजगारी पर आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के बयान का जिक्र किया, कहा कि होसबोले ने केंद्र सरकार को आईना दिखाया है। कल ही संघ प्रमुख ने भी सरकारी नौकरी को लेकर बड़ा बयान दिया, कहा कि सब सरकारी नौकरी चाहेंगे तो कितने लोग पा सकते हैं। दस्तक देता सवाल यह है कि सब नौकरी सरकारी नहीं पा सकते, लेकिन जो पद खाली हैं वो तो भरे जा सकते हैं। बेरोजगारी की संख्या पिछले जून में लगभग 4 करोड़ 2.2 रूरल एरिया में, 1.8 करोड़ अर्बन एरिया में, लेबर फोर्स सर्वे के अभी अभी के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से 7.6% अनएम्प्लॉयमेंट है, ऐसे समझ में आता है। देश में गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, यह तो बेरोजगारी है, यह एक हमारे लिए चुनौती तो है ही। 2 अक्टूबर को आरएसएस के संगठन के ही कार्यक्रम में संघ में नंबर 2 दत्तात्रेय होसबोले ने बेरोजगारी को बड़ी चुनौती कहा, और 3 दिन बाद संघ प्रमुख ने विजयादशमी की सभा में कहा कि सब सरकारी नौकरी के पीछे क्यों भागते हैं। रोजगार यानी केवल नौकरी, और नौकरी के पीछे ही भागेंगे, और वो भी सरकारी हो और बने तक मेरे घर के पास हो ऑफिस, ऐसा सब लोग दौड़ेंगे तो नौकरी कितनी दे सकता है। सरकारी और प्राइवेट मिलाकर किसी भी समाज में 10-20-30% ज्यादा से ज्यादा नौकरियां होती है, बाकी सबको अपना काम करना पड़ता है। उस उद्यमिता की प्रवृत्ति बढ़नी चाहिए। स्टार्टअप्स वगैरह सरकार शुरू कर रही, सरकार उसको प्रोत्साहन दे रही, लेकिन हमको उधर जाना चाहिए, हम करते हैं तो होता है। बेरोजगारी चुनौती है और सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल सकती, ये दोनों बातें संघ की तरफ से कही गई, सही कही गई। लेकिन एक सही बात यह भी है कि पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के संसद में दिए जवाब के मुताबिक 2014-15 से 21-22 के बीच 22 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अगर केंद्रीय विभागों में नौकरी के लिए आवेदन किया तो 8 साल में सिर्फ 7,22,311 लोग को ही नौकरी मिल पाई। यानी 8 साल में 22 करोड़ युवा नौकरी केंद्र में चाहते हैं तो सिर्फ 0.33% को ही नौकरी मिलती है। 8 साल में केंद्रीय सरकारी नौकरी के लिए 22 करोड़ बेरोजगारों का आवेदन यानी 100 रुपए का फॉर्म भी भरा तो सरकारी विभागों ने परीक्षा कराने के लिए 220 करोड़ रुपए बेरोजगारों से हासिल किए। बेरोजगारी दर से भी बड़ी चिंता सरकारी नौकरियों में रोजगार देने की घटती दर पैदा करती है। केंद्र सरकार के संसद में दिए आंकड़े कह चुके हैं कि 2014-15 से लगातार केंद्रीय विभागों में नौकरी देने का मौका युवाओं के लिए घटता जा रहा है। 8 साल के भीतर सिर्फ 2019-20 जिस साल चुनाव हुए और सरकार दोबारा बनी उसी वर्ष सबसे ज्यादा 1,47,000 लोगों को नौकरी केंद्र के विभागों में मिली, बाकी 7 वर्ष में नौकरी के अवसर घटते गए। साथ ही 8 साल के भीतर हर साल औसत 2,75,00,000 लोगों ने सेंटर की नौकरी के लिए आवेदन किया, जबकि हर साल औसत 90,288 बेरोजगार ही नौकरी केंद्रीय विभाग में पाए। 8 साल में हर साल 0.07% से लेकर 0.80% लोग ही नौकरी पाते हैं। यानी 8 साल में कोई वर्ष ऐसा नहीं आया जब आवेदन करने वालों में से औसत 1% या 1% से ज्यादा लोग नौकरी केंद्र में पा गए हों। फिर ऐसे आंकड़ों के बीच ये सच नहीं है कि सबको नौकरी इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि नौकरी है नहीं। हकीकत ये है कि रेलवे, रक्षा विभाग, गृह मंत्रालय, डाक विभाग, राजस्व विभाग, अकाउंट, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सब जगह मिलाकर 8 लाख से ज्यादा पोस्ट केंद्र में खाली है। ऐसे ही हर खाली पद को भरने के लिए ही तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1.5 साल का वक्त मांगा है।